इसमें कैसे आग लगी, कैसे आपको जानकारी मिली? हमें तो दीदी माटी लगा नहीं गोहरानी का आग ही लाग गए नहीं तो वहाँ पर वही मन गए होगा तो घूम के तो सामान निकलवा में ला गए जंगल नहीं ला गया पर तब तक ध्यान नहीं किन फिर अंगन है तो यहाँ पर निकाले हम सामान। तो आपका कितना नुकसान हुआ? हाँ नुकसान तो भाव है कितना उनका नुकसान हुआ है। कैसी घटना हुई है? समझे नहीं पता नहीं है अचानक कोई आग जैसे लगा दिया हम लोग सब नरेगा में काम। उस समय आप कहाँ पे थे? नरेगा में काम। तो फिर आपको कैसे जानकारी दी गई? जानकारी आदमी के द्वारा हुई कि वहाँ आग लग गई। तो वहाँ पे लगभग कितने घर यहाँ पे चले हुए? तीन घर हैं। तो अलग अलग लोगों के एक ही परिवार से? एक परिवार का दो घर है एक दूसरे का है। तो आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो सब पूरी गृहस्थी नष्ट हो गई। दो तीन लाख रुपये का नुकसान न हो तीन लाख रुपये। तो क्या मौके में मशीन आई या है? मौके में मशीन नहीं आई सर, ये ट्यूबवेल के द्वारा जो है बताई गई पानी की मदद से। आप परेशान हैं? चार दिन से ही घन उमन छुछुआती हैं, आवादी मिली तो बनाती हैं और भागती हैं। सामान बहुत परेशान है जी, पैसे में चले पैसे से देखो नहीं रुपया है क्या क्या पाँच पाँच रुपया है कपारी है। हाँ अब इतनी गारंटी महानी भगवान ही तो देते हैं। दस दिन वो घर से आन के घर से सामान घर मैं पहले दूसरे के घर में रहती थी। दूसरे घर में सामान भाई के सब लोग मतलब वो नरेगा में चली गई थी उसकी माँ और लड़की और उसके बाप थोड़ी चले गए थे लालापुर तो लड़की लेके यहाँ पे मींज रही थी। अच्छे से आग लगी है तो लड़का फेंक के बुझाने लगी है और नहीं जब बुझिए तो फिर लड़का फेंक कर सबको बुलाने लगी है। इस तरह से फिर सब लोग इकट्ठा हुए तो आग बुझाए थे। लगभग कई बजे घटना है ये? 11 बजे 12 बजे 11 है उसी में रामनगर से 11 मतलब 12 12 समझ रामनगर से तो लगभग कितना नुकसान हुआ है इनका? नुकसान कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ इतना कपड़ा दृष्टि बर्तन सामान सब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। सब उनकी जान जान बची है बाकी उनके घर में कुछ नहीं बचा। गाँव यहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के थे? मंदिर के रहने वाले हैं और 20 साल से यहाँ रहने वाले। तो लड़की बिटिया है क्या यहाँ की? बिटिया हाँ यहाँ की बिटिया। तो क्या पहले दूसरे घर में रह रही थी क्या? हाँ पहले दूसरे घर में किराए से रहते थे फिर वहाँ से के यहाँ आबादी मिल गए थे आबादी बना लिए गए तो आबादी में रहने लगे। तो पूरा उनका हो गया जल वाला गया कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी गल्ला पानी सब जल गया। कितने बच्चे हैं उनके? उनके अभी गोट बीते दिया है परी हमें एक लड़का एक नाती है और बहू है और अपनों है दोनों परानी तीन चार बच्चे इनके दिया कराई। तो इनका जो पूरा घर जल गए कोई भी नहीं कुछ नहीं बचा तो इसके लिए किस तरह का आप लोग सहयोग करेंगे? भाई गांव है भूखे नहीं पड़े तो हम लोग सहयोग करेंगे बाकी सरकार मदद करेगी इनकी। तो क्या यहाँ पे कोई वीडियो या लेखपाल आए मौके पे? हाँ लेखपाल साहब आ रहे हैं कई बार चले गए वीडियो साहब और हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी ऊपर गए हैं। सरकार के लिए लेखपाल की रिपोर्ट आ गई है तो हम लोग जो है फाइल बना के कलेक्ट्रेट भिजवा रहे हैं। जो भी अनुमन्य सहायता है वो उनको दी जाएगी घर जलने की। उसके अलावा उनको कंबल वितरित कर दिए गए हैं ठेकेदार के द्वारा राशन और लोक व्यापार मंडल के द्वारा भी काफी सहायता दी गई है खाद्यान्न से संबंधित फसल से संबंधित और भी हम लोग लगे हुए हैं। जो भी व्यक्तिगत सहायता भी कई लोगों ने की है। हाँ 5 लोगों के घर में आग लगी मगर राजा के घर में ज्यादा लगी है। हाँ इनके यहाँ दो घरों में आग लगी थी मैंने मौका देखा है लेकिन इनके यहाँ सब कुछ जल गया है। इनका विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो जिसको जला है तो उनको कितना लगभग दिया जाएगा मुआवजा के रूप में? देखिए अब लेखपाल की रिपोर्ट आ जाए तो उसके आधार पे ही पता चल पाएगा लेकिन जो भी है इनको त्वरित सहायता राशि दे दी जाएगी अगले 3 से 4 दिनों में उनके अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे। आवास वास की व्यवस्था की जाए? आवास इनको ऑलरेडी पट्टा हुआ था वहीं पे ये बना के रह रहे थे। हाँ। आवासीय इनको तो पट्टा जमीन दी जा चुकी थी बहुत पहले भी। हाँ समाज तो देखते हैं अगर कुछ आवासीय सुविधा होगी वो ब्लॉक स्तर पे मैंने कहा है वीडियो साहब से जो संभव होगा वो मदद की जाएगी। खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाषा।